तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, क्या आप भगवान को मानते हैं? अगर हाँ तो बेहद खुशी की बात है, और अगर ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब वो अपने होने का एहसास दिलाता है तो हर इंसान उसी के ही गुण गाता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और साथ ही सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो बिना देरी किए कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, अक्सर हर इंसान की फैमिली के बाद जो उसके सबसे करीबी होता है वो एक दोस्त होता है, और दोस्ती जितनी पुरानी होती है कहते हैं उतनी ही मजबूत भी होती है। परंतु क्या होता है जब हम किसी दोस्त को अपने परिवार की तरह ही सदस्य समझने लगे, और किसी कारण उसके साथ कोई घटना हो जाए जिसकी वजह से वो हमसे दूर हो जाता है। सुनकर ये अजीब लगता है, पर दो दोस्त जो बचपन से साथ रहते थे वह हमेशा साथ ही खेलते और साथ साथ बड़े हुए, और अब काफ़ी सालों बाद फिर से मिलने वाले थे। पर क्या हुआ जब उसे पता चला कि उसका दोस्त तो उसे छोड़कर काफ़ी दूर चला गया है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है, जहां दो दोस्त हमेशा साथ रहते थे। ये कहानी उनमें से एक दोस्त अभिषेक की है, जो कि अपनी फैमिली के साथ गांव छोड़कर चला गया था, और अब वो कई सालों बाद फिर से गांव घूमने जा रहा था। अभिषेक को गांव जाने से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि सबसे पहले वो अपने दोस्त से मिलेगा, क्योंकि जिसके साथ उसका पूरा बचपन बीता है। वह अक्सर अपने उस दोस्त को बहुत याद करता था, और अब आखिरकार वह काफ़ी समय बाद ही सही पर अब उससे मिलने वाला था। यही सोचकर वो बार बार खुश हुए जा रहा था, पर उसकी यह खुशी चंद मिनटों में नाराज़गी में बदल गई। अभिषेक गांव पहुंचा तो वो जल्दी से घर पहुंचकर सीधा बाहर चला गया, पर बाहर उसे अपने सभी पुराने साथी दिखाई दिए, पर वो नहीं दिखा जिसे उसकी आंखें ढूंढ रही थी। उसे इस बात का दुख था। सबसे पूछने पर सबने बताया कि वह कुछ समय पहले ही दिल्ली चला गया। ये बात सुनकर अभिषेक नाराज हो गया, पर गांव में उसके और दोस्त भी थे तो वह उनके साथ खेलने लग गया, पर वो मन ही मन उसे याद कर रहा था। वो दिन ऐसे ही बीत गया। फिर एक रोज ऐसे ही खेलते खेलते अभिषेक की लड़ाई एक लड़के से हो गई, और उनमें से ही एक लड़का अभिषेक को मारने आया। वह अकेला था तो इसलिए वहां से भागने लगा। भागते भागते वह एक पुराने घर में चला गया जो काफी समय से बंद था। वह घर अब एक खंडर बन चुका था, जहां धूल के सिवा और कुछ भी नहीं था। उसे वहां थोड़ा डर तो लग रहा था, पर उसके पीछे वह लड़के अब भी पड़े थे। अभिषेक जाकर अंदर छुप गया। ठीक उसके पीछे उन सब में से एक लड़का भी अंदर आ गया। उस लड़के ने अभिषेक को देख लिया और उसे मारने लगा, पर अचानक तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पर एक साथ कई लोगों की आवाजें आने लगी। वो उनसे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भाग जाओ यहां से, भाग जाओ। दोस्तों, अभिषेक को जो लड़का मारने आया था वह एक ही जगह पर सुन्न रह गया। अब न जाने उसने क्या देख लिया था, वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था कि तभी अचानक अभिषेक को लगा कि ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पहले ही बहुत डर गया था, उसके बाद जो हुआ वह डर के मारे सुन्न हो गया। उसके मुंह से निकलने वाली चीख अचानक रुक चुकी थी। अभिषेक ने देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है जो कि कई बच्चों का सर काटता जा रहा है। ये देख वह उस लड़के को हिलाने लगा। वह दोनों वहां से भागे, और भागते भागते अब भी वह उन बच्चों की चीखें सुन रहे थे। वो दोनों भागकर एक पेड़ के नीचे चले गए, जहां एक छोटा सा मंदिर था। वो उसके पास बैठ गए और भगवान का नाम लेकर मन ही मन दोहराने लगे। थोड़ी देर बाद सारी आवाजें बंद हो गई। इसके बाद वह घर आ गए, पर वो डर अब भी उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने घर पर यह बात सबको बताई। उनकी ये बात सुन
घर वाले भी सब हैरान थे क्योंकि अभिषेक पूरी रात डरा हुआ था, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। दूसरे दिन अभिषेक को तेज बुखार आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ क्या हुआ है। गांव वालों ने पास ही के एक मंदिर के पुजारी को बुलाया। वो अभिषेक को देखते ही समझ गया। उन्होंने मंदिर की राख अभिषेक के माथे पर लगाई। इसके बाद अभिषेक का बुखार पहले से कम हो गया। दोस्तों, इसके बाद पंडित जी ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त दिल्ली नहीं गया, वह एक बार गलती से उसी घर में चला गया था जहां से तुम अभी लौट कर आ रहे हो, पर वो नहीं आया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि जो तुम बच गए। ये बात सुनकर अभिषेक शॉक्ड हो गया और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके कुछ दिनों के बाद वह वापस चला गया। अभिषेक के मन से वह घटना निकल नहीं पा रही थी, पर उससे भी ज्यादा वह अपने दोस्त को याद कर रहा था। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम चिराग है और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कि मेरे एक दोस्त के स्कूल में घटित है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल दोस्तों, मानने वाले मानते हैं कि जो इंसान कभी किसी वजह से मर जाता है तो कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी जगह को अपना स्थान बना लेती है जहां उसकी मौत हुई होती है। दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है, परंतु जिनके साथ यह हादसा होता है सिर्फ वही इंसान उस डर को समझ पाता है। ये बात एक मॉडर्न स्कूल की है जहां पर कभी किसी लड़के ने खुद की जान दे दी थी। कहते थे कि वह पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान रहता था और दिन रात सिर्फ पढ़ाई ही करता था। वह काफी होशियार भी था, पर जाने अचानक क्या हुआ, उसने अपने स्कूल के बायोलैब में आत्महत्या कर ली। दोस्तों, उस घटना के बाद काफी समय तक स्कूल बंद रहा, पर कुछ दिनों में वह स्कूल फिर से खुल गया। पर अब भी बच्चे उस लैब में जाने से डर रहे थे, लेकिन कब तक। धीरे धीरे सबके अंदर से वह डर निकलता रहा और बच्चे वहां जाकर पढ़ने भी लगे। सब कुछ ठीक हो गया, पर एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी हालत खराब हो गई। दोस्तों, एक दिन एक बच्चा जो कि अभी अभी नया नया आया था, उसे पता भी नहीं था कि कभी स्कूल में कुछ हुआ भी था, वह अपने टीचर के साथ गंदा व्यवहार करके बायो लैब में आके छुप गया और कुछ देर तक छुपा ही रहा। पर स्कूल के गार्ड ने जब देखा कि लैब में कोई नहीं है तो वो अपनी चेकिंग कर दरवाजा बंद करके चला गया, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे एक बार फिर से खड़े कर दिए। वो स्कूल जब अगले दिन खुला तो जो बच्चा उस लैब में छुपा था वो मरा हुआ पाया। सब हैरान थे कि अचानक यह कैसे हो गया। जब पुलिस आई तो एक टीचर ने बताया कि यह वही बच्चा है जो कल मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। मैंने इसे पकड़ना चाहा, पर जाने ये कहां गायब हो गया। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया, एक बंद कमरे में ये घटना कैसे हो सकती है। सब हैरान थे। उस बच्चे के सिर पर कांच का बड़ा सा टुकड़ा गड़ा हुआ था, पर जब उस बच्चे को वहां पाया गया तो वहां कहीं भी कोई कांच का टुकड़ा नहीं था और ना ही वहां कहीं से घुसने का कोई रास्ता था। तो उस बच्चे की जान कैसे गई। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो जो सामने आया सब वह देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उस कांच पर जिसके हाथ के निशान थे वह उस बच्चे के ही थे जिसने कई साल पहले वहां आत्महत्या कर ली थी। यह देख सब हैरान हो चुके थे और काफी सोच में भी पड़ गए थे। इस घटना ने सबको दहला के रख दिया था। दोस्तों, इसके बाद से सब उस कमरे से डरने लगे थे और कुछ समय बाद वह लैब हमेशा के लिए बंद कर दी गई। पर बाकी बच्चे आज भी कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उस लैब में अभी भी कोई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह गुजरात में घटित एक घटना है जिसकी वजह से वहां के लोग कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं कर पाए।
दोस्तों गुजरात के पोरबंदर जिले में एक छोटा सा गांव है जहां पर अर्जुन नाम का लड़का जो कि अपने परिवार के साथ रहता था और यह उस समय की बात है जब अर्जुन काफ़ी छोटा था। साथ ही यह हादसा अर्जुन के दादाजी और पिताजी के साथ हुआ था जिसे वह अक्सर अर्जुन को सुनाया करते थे। दोस्तों दरअसल माना जाता है कि अक्सर ज़्यादातर भूत प्रेत उसी इंसान को दिखाई पड़ते हैं जो दिल का कमज़ोर और थोड़ा डरने वाला हो, परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अर्जुन के पिताजी और दादाजी कभी इन चीज़ों से नहीं डरे क्योंकि वह इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। पर इन सब चीज़ों के साथ साथ वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों कहा जाता है कि उसी गांव में एक रास्ता है जहां कई बार अक्सर कई लोगों के साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। पर अर्जुन के पिताजी और दादाजी ने कभी बाकी लोगों की इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज ही किया। परंतु एक दिन अचानक उनके साथ वो हुआ जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। वो दोनों गांव के बाज़ार से वापस घर आ रहे थे। काफ़ी समय भी हो चुका था और अंधेरा भी होने को था। वो दोनों बाइक पर थे तो जानते थे कि वो समय पर घर पहुंच जाएंगे। हालांकि वह कभी भगवान पर भरोसा नहीं करते थे, पर जाने उस दिन उनके मन में कौन सी बात आ गई जो कि अर्जुन के पिताजी ने रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जो माँ कुलदेवी का था, उन्होंने वहाँ पर हाथ जोड़े। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने ये हाथ क्यों जोड़े, पर ज़्यादा ना सोचते हुए वह घर की तरफ बढ़ने लगे। बारिश का मौसम हो रहा था तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी। अर्जुन के दादाजी बाइक चला रहे थे तो उन्होंने सोचा कि वह छोटे रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। उन्होंने अपना रास्ता बदल कर एक सुनसान रास्ते से जाने लगे। वह यह भी जानते थे कि यह वही रास्ता है जिसकी बातों को अक्सर गांव वाले करते थे, पर उन्होंने बिना कोई परवाह किए बस आगे बढ़ना ही ठीक समझा। चलते चलते अर्जुन के दादाजी को ऐसा लगने लगा जैसे कि उनकी बाइक पीछे की तरफ जा रही है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा पर उन्होंने सोचा कि यह शायद उनका वहम है और कुछ नहीं। वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर अचानक अर्जुन के पिता भी कहने लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे बाइक पीछे की तरफ जा रही है। वो वहीं रुक गए। अर्जुन के दादाजी ने इधर उधर देखा तो खुद को वहीं पाया जहां से वह काफ़ी समय पहले निकले थे। इसके बाद उन्हें अब अजीब लगने लगा था, वह थोड़ा घबरा रहे थे। दादाजी ने अर्जुन के पिताजी को पीछे देखने से मना किया। वह लगातार अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे थे। वो समझ चुके थे कि जरूर यहाँ कुछ है। बहुत देर के बाद अचानक अर्जुन के पिताजी के मुंह पर भगवान का नाम आ गया। उन्होंने जोर से माँ कुलदेवी का नाम लिया और लगातार नाम लेते रहे। अर्जुन के दादाजी बस उन्हें देखते ही रहे कि इसके मुंह पर अचानक भगवान का नाम कैसे। जैसे ही उन्होंने भी भगवान का नाम लिया तो उनकी बाइक स्टार्ट हो गई और ज़मीन पर ऐसे गिरी जैसे वह ज़मीन से अभी तक ऊपर थी। वो दोनों वहाँ से जल्दी से निकल गए, परंतु पूरे रास्ते वह माँ कुलदेवी के नाम को लेते रहे। वो दोनों सही सलामत घर पहुँच गए, पर वो डर अब भी उनके अंदर था। उन्होंने घर पहुँच कर सबको ये बात बताई और वह खुद को इसलिए सही सलामत पा रहे थे क्योंकि उनके मुंह पर अचानक भगवान का नाम आया। और दोस्तों तब से ही वो दोनों भगवान पर यकीन करने लगे थे। पर एक बात बताऊं, वो उस दिन के बाद से कुछ दिन तक काफ़ी डरे हुए थे। दोस्तों इसके बाद और कुछ दिन बीत गए, फिर एक अचानक खबर आई कि उसी रास्ते से एक लड़का बाइक से जा रहा था, उसके साथ एक हादसा हो गया। उसके पीछे से उसे लगातार कोई हॉर्न मार रहा था, पर जब उसने पीछे देखा तो रास्ते पर चलती हुई बाइक तो देखी पर उसके ऊपर उसे चलाने वाला कोई नहीं था। ये देखकर वह चौंक गया और काफ़ी डर गया था। वो रास्ते में ही गिर गया और सीधा उछलकर खेत पर जा पड़ा, और जब वो किसी को दिखाई दिया तो वो उस वक्त बेहोश ही था। ये सब सुनकर वह दोनों और डर गए। वो दोनों यही सोच रहे थे कि अच्छा हुआ जो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों इसके बाद
जब उस लड़के को होश आया तो उसे 2-3 दिन हो चुके थे। उसने सबको ये बात बताई। गांव वालों ने मिलकर उस रास्ते को ही बंद कर दिया। दोस्तों कहते हैं कि अब उस रास्ते से कोई नहीं जाता, पर रात के समय कई लोगों ने उस रास्ते पर अब भी मोटरसाइकिल चलती देखी है जो कि लगातार हॉर्न मारती है। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह काफी हैरान कर देने वाली बात है। ये बात कुछ समय पहले की ही है। दिल्ली में रहने वाले परम चावला, जिनके साथ यह हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वह काफी दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बीच काफी चोट लग चुकी थी। पर वो खुश नसीब थे कि उन्हें इस घटना के दौरान सिर्फ चोटें ही आई थी, और साथ ही इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने कई दिनों तक किसी से कुछ नहीं बोल पाए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सोच में डूब गए हों। दोस्तों अक्सर परम चावला रात को ही अपनी स्कूटी से बंगला साहिब चले जाता था। बंगला साहिब जो कि दिल्ली में काफ़ी मशहूर गुरुद्वारा है, कहते हैं कि वहाँ जाकर मन को शांति मिलती है और शायद कुछ सवालों के जवाब भी। अक्सर परम भी यही करता था। वह गुरुद्वारा से कुछ ही दूरी पर रहता था तो वह हमेशा ज़्यादातर रात को ही वहाँ जाया करता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर बार की तरह उस रात भी परम ने अपनी स्कूटी निकाली और गुरुद्वारे की तरफ चला गया। परम थोड़ा परेशान भी था तो उसने गुरुद्वारे जाना ही सही समझा, पर वो कहाँ जानता था कि रास्ते में ही उसके साथ क्या होने वाला था। वह धीरे धीरे स्कूटी चला रहा था और एक जगह रुका जहाँ से दो रास्ते गुरुद्वारे की तरफ निकलते थे, पर वह ये देख कर रुक गया कि जो रास्ता हमेशा रात में 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है वह आज खुला कैसे है, जबकि वहाँ हमेशा बैरिकेड लगे रहते थे। परम को थोड़ा अजीब तो लगा, पर वह रास्ता छोटा था तो उसने सोचा कि आज वो यहीं से चला जाता है, क्योंकि जब रास्ता खुला है तो वह जा सकता है। साथ ही वो थोड़ा सोच भी रहा था। उसके मन में ये बात बार बार आ रही थी कि ये रास्ता अचानक क्यों खुला है। परम वहाँ साइड में खड़ा होकर ये सोच ही रहा था कि अचानक एक बाइक उसी रास्ते पर चली जाती है। परम ने सोचना छोड़ दिया और उसे लगा कि जब यहाँ से सब ही जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ। परम ने उस बाइक के पीछे पीछे अपनी स्कूटी लगा दी, पर थोड़ी देर बाद परम ने रास्ते में देखा कि अभी तक वो जिस बाइक के पीछे था और जो बाइक ठीक उसके आगे आगे चल रही थी वह अचानक कहीं गायब हो गई। परम चौंक गया और अपनी आंखों पर हाथ मलने लगा। उसे लगा कि यह उसका वहम है, वो शायद थोड़ा आगे निकल गया होगा। पर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से परम के रोंगटे ही खड़े हो गए। स्कूटी चलाते चलाते परम की नज़र एकदम अपनी ही परछाई पर पड़ी। वह देखता है कि उसके पीछे परछाई में कोई बैठा है। वह थोड़ा घबरा गया, पर धीरे धीरे उसकी स्कूटी उसे भारी लगने लगी। परम समझ गया कि सच में उसके पीछे कोई बैठा ही है, पर कैसे। परम की हालत खराब होने लगी। उस वक्त वह बहुत डर गया था। वो कुछ ना सोचकर स्कूटी को तेज चलाने लगा, पर एकदम से उसके कंधों पर कोई हाथ रख देता है, जिसकी वजह से परम एकदम से घबरा गया और वो स्कूटी को नहीं संभाल पाया और उसने हड़बड़ी में स्कूटी नीचे जमीन पर गिरा दी। स्कूटी नीचे गिरने की वजह से परम को काफ़ी चोट भी लगी थी। उसके पैर पर घाव बन चुका था जिस पर से खून साफ साफ बह रहा था। परम काफ़ी घबरा चुका था। वो समझ चुका था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है जहाँ से निकल पाना अब मुमकिन नहीं है। अभी कुछ देर में ही परम ने अपने आप को संभाला था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज़ आई जो कि उससे कह रही थी, अब कैसे जाएगा। परम एकदम घबरा गया, पर वह भगवान पर भरोसा रखता था। वह मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा और थोड़ी हिम्मत करके उठने लगा और अपनी स्कूटी पर बैठा और धीरे धीरे चलने लगा। परम का सर अभी भी सलामत था क्योंकि उसने हेलमेट पहना था, पर उसका हेलमेट भी काफ़ी डैमेज हो चुका था। परम हिम्मत करके आगे की तरफ बढ़ने लगा
और मन ही मन भगवान का नाम दोहराता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा डर मारे जा रहा था, इसलिए वह अभी भी इधर उधर देखे जा रहा था। परम जैसे ही वापस वहीं पहुंचा जहां से वह उस रास्ते पर मुड़ गया था, तो वो देखकर हैरान था कि वह रास्ता जो अभी तक खुला था वह पूरी तरह से बंद था। परम अब सब कुछ समझ रहा था, शायद आज उसकी किस्मत में कुछ और ही था। वो अभी भी भगवान का नाम ले रहा था क्योंकि उन्हीं की वजह से वो सलामत था। इसके बाद उसने अपनी स्कूटी वहीं छोड़ दी और ऐसे ही घर आ गया। दोस्तों वह घर तो पहुंच गया पर वह डर अब भी उसके अंदर ही था। उसके बाद कुछ दिनों तक वह हॉस्पिटल में ही भर्ती था क्योंकि उसको उसके शरीर पर काफ़ी चोट आ चुकी थी। वो किसी से कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों उस हादसे के बाद कभी परम यूं रात को घर से बाहर नहीं गया, पर वह आवाज़ आज भी उसके कानों में थी जिससे वह काफ़ी समय तक डरता रहा। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो व्यक्ति कभी किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा उसी जगह पर भटकती है और किसी ना किसी के ऊपर आ जाती है। दोस्तों ये बातें सुनने में तो काफ़ी डरावनी लगती हैं, परंतु सोचिए आखिर क्या होता होगा जिसके साथ यह सब होता है। ये सब सिर्फ वही जान सकता है जो इन हादसों से काफ़ी करीबी से गुजरा हो, क्योंकि उसे इस डर का अंदाज़ा नहीं होता, परंतु उसके मन का वो डर कभी जाता नहीं है। तो ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ जो कि गोरखपुर में रहने वाले आनंद त्रिपाठी के बड़े भाई की बच्ची के साथ हुआ था। दोस्तों ये बात उस समय की है जब आनंद के चाचा जी की बच्ची का जन्मदिन था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया था जहां पर आनंद और उनका पूरा परिवार भी शामिल था। पर दोस्तों इस खुशी के माहौल में कुछ ऐसा अजीब हुआ जिससे सब लोग डर गए। आनंद के चाचा जी ने सबको खाना खिला दिया था और फिर वह सब नाचने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक आनंद के बड़े भाई की लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह कहने लगी कि गाना बंद करो। उसकी यह हरकत देख सबने गाने बंद करवा दिए और उस बच्ची की तरफ जाकर पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन वो छोटी सी बच्ची अभी भी चिल्ला रही थी और अचानक वह कहने लगी कि मैं माता जी हूँ। दोस्तों ये सब सुनकर सबको लगा कि उनकी माता जी की आत्मा शायद उस बच्ची पर आई है। यह देखकर वह खुश भी थे कि इस खुशी के माहौल में आज उनकी माता जी भी आई है, पर वो कहाँ जानते थे कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। दोस्तों इसके बाद थोड़ी देर में वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद वो खेलने लगी, नाचने लगी। सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद सबके सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन ये सिलसिला अभी भी चल रहा था। वह अभी बहुत छोटी थी और उस पर किसी की आत्मा का रोज आना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने एक जाने माने पंडित को बुलाया जो कि तंत्र मंत्र का काफ़ी जानकार थे। वह पंडित उस बच्ची को देखते ही समझ गया कि वह बच्ची पर उनकी माता जी की नहीं बल्कि किसी और की आत्मा है जो कि उसे बस घुमाए जा रही है। साथ ही वह बच्ची उस पंडित से दूर भाग रही थी, उनसे छुपना चाह रही थी। वह समझ गए थे कि यह कोई चुड़ैल है, लेकिन उन्होंने उसे जाने के लिए कहा पर वह मना करने लगी। उस बच्ची की वो डरावनी आवाज़ सुनकर सब लोग घबरा गए और पंडित जी के आगे हाथ जोड़ने लगे। उस पंडित ने अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल को उस बच्ची के शरीर से दूर कर दिया और तुरंत उसके हाथों में एक कलावा बांधा जिससे वह आत्मा अब हमेशा उस बच्ची से दूर रहे। दोस्तों इसके बाद वह बच्ची पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। साथ ही पंडित ने यह भी बताया कि कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी जिसका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था, इसी वजह से यह आत्मा भटक रही थी जो कि अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। वो अक्सर बच्चों के सपनों में आकर उन्हें डराती है और जो डर जाता है वो उस पर हावी हो जाती है। दोस्तों ये सब सुनकर
वहां सब परिवार के लोग पंडित जी के चरण छूने लगे और उनसे कहने लगे, क्योंकि उन्होंने इस भयानक आत्मा से उन्हें बचा लिया था। उन पंडित ने उन्हें यह भी कहा कि उस बच्ची के हाथ से यह कलावा कभी मत खोलना। दोस्तों, उस दिन के बाद से सब ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपको अगली कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।